हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे डलगोना कॉफ़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है इंटरनेट पर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून कॉफ़ी, 3 टीस्पून चीनी। मुझे मेरी कॉफ़ी मीठी अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गर्म पानी 2 टीस्पून। और अब हम यहाँ पर कॉफ़ी को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप यहाँ पर विस्क यूज़ कर सकते हो। और हैंड ब्लेंडर से यहाँ पर 5-6 मिनट लग जाते हैं बनाने को, और विस्क के साथ आपको यहाँ पर 10-15 मिनट लगेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉफ़ी का कलर चेंज हो गया है और वो थोड़ी सी थिक भी हो गई है। कॉफ़ी बहुत ही फोमी हो गई है और ये बहुत ही लाइट हो जाती है फेंटने से। ये अभी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसे सर्व करेंगे। और मैं एक ग्लास में दूध ले लूँगी और उसके अंदर बिल्कुल भी आइस नहीं यूज़ करूँगी। अगर आप चाहते हो तो आप आइस यूज़ कर सकते हो। और मैं एक स्पैचुला के साथ सारी जो कॉफ़ी है वो निकाल लूँगी और अब हम इसे सर्व करेंगे। और जो कॉफ़ी जो हमने फेंटी है वो दूध के ऊपर फ्लोट कर रही है, वो नीचे नहीं जाएगी क्योंकि उसका जो वेट है बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाता है, तो वो दूध के ऊपर ऊपर ही रहती है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर। और इसे हम स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कोको पाउडर गार्निश करने के लिए, और आप कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हो। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है हमारी डलगोना कॉफ़ी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।